एक तरह से देखा तो सारी जो एजुकेशन सिस्टम है सारा वो ऑनलाइन तरीके से भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ अलग तरीके से डिमांड कर रहे हैं पैसों की। आप हमेशा एजुकेशन में बेहतर सिस्टम डेवलप करने के पीछे रहे हैं, आपने मोर्चा भी निकाला था उसके लिए। आप इस पर अब इस जो ये जो नया अभी वातावरण पैदा हुआ है कि इसमें लोग लॉकडाउन में फंसे थे, इसके बावजूद भी तमाम स्कूल और जो है वो अपने हिसाब से ट्रेडिशनल वे में काम करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, इसके लिए किस तरह की आपकी आपकी पहल होगी? एक तो मैं इस चीज को दोनों तरफ से देखता हूँ। एक ऐसा है कि स्कूल्स को आज अगर बच्चों को पढ़ाई शिक्षा देनी है, ऑनलाइन होने दीजिए या फिर आगे बने समय, तो इसमें फीस ना ले ये तो हम किसी स्कूल को नहीं कह सकते। फीस तो देनी पड़ेगी, बस इतना ही है कि फीस लेते वक्त अगर आप जबरदस्ती करें तो उसका कहीं ना कहीं उन बच्चों के भवितव्य पर असर हो सकता है। फीस देनी चाहिए इसके लिए क्योंकि जो शिक्षा देने वाले टीचर्स है उनको सैलरीज देनी है, स्कूल का जो सारा फंक्शनिंग है इसको चलाना है, तो फीस तो लेनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके उनको प्रेशराइज करें और प्रेशराइज करके ऐसी चीजें ऐड लें। तो मैंने समझता कि ये ठीक होगा। आने वाले समय में ये सारे जो पनवेल और सारे क्षेत्र के स्कूल्स हैं इन्होंने म्यूचुअली काम करने की आवश्यकता है। पेरेंट्स ने भी सोचना चाहिए कि स्कूल्स चलनी चाहिए तो स्कूल्स को फीस की आवश्यकता बनी रहेगी। स्कूल ने समझना चाहिए कि पेरेंट्स आज जिनके ऊपर कुछ हद तक असर हुआ है वो शायद इमीडिएटली अपनी फीस ना दे पाए, पर जो जिनका जिनकी सर्विस जिनका बिजनेस रूटीन पे आ चुका है उनसे तो जाहिर सी बात है कि उनसे अगर ये फुलफिल किया जाएगा तो ये जो एजुकेशनल फैसिलिटीज का जो चक्र है ये चलता रहे, निरंतर चलता रहेगा। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।